सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MDR ब्लॉग को सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल MDAR ब्लॉग। सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मैं हूँ अपने गांव अपने घर में। तो आज की मेरी जो ब्लॉग वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे जब भी कोई नई वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा सा गांव, खूबसूरत गांव। और ये जो नीला कलर से घर दिख रहा है यहाँ पास है बस स्टैंड और यहीं पीछे है ये जो बमूर का पेड़ दिख रहा है ये और नीले कलर से जो घर पुता हुआ है उसके पीछे पेट्रोल टंकी, यहीं पास बस स्टैंड है। और इधर जो एक खम्बा दिख रहा है लाइटिंग का वहाँ पास है कालरी, मतलब जो दामली कोल माइंस है वो कंदोहा में है। वो देखिए खूबसूरत सा जो हमारा गांव है कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए ये पूरा हमारा प्यारा सा गांव है। तो अभी स्पेशल जो ब्लॉग वीडियो है हमारे खूबसूरत गांव की वो मैं कुछ दिनों के बाद अपलोड करूंगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दिखता है हमारा प्यारा सा गांव। और इधर जो है दरगाह शरीफ है, इधर वो मस्जिद दिख रही है और इधर कब्रिस्तान है, ये देखिए। और गाइज आपको बता दूँ ये हमारा वार्ड नंबर 16 है, ये देखिए। तो गाइज आज जो है 23 जून है और 25 जून को मतदान है। तो अभी जो है हमारे शहडोल डिस्ट्रिक्ट में जनपद जिला जनपद पंच और सरपंच का चुनाव होने वाला है, 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है। तो आप एक ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो आपके हित में काम आए, आपको सपोर्ट करें, ना कि एक ऐसे प्रत्याशी को जो बोलने में कुछ और, मतलब ऐसी एक कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की कुछ और, वैसा वाला प्रत्याशी बिल्कुल भी ना चुने। तो अभी आपको मैं यहाँ की हमारे शहडोल डिस्ट्रिक्ट के इस गांव के हमारे गांव की सच्चाई बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि आफ्टरऑल जो पुराने प्रत्याशी हैं तो उनका मतलब उन्होंने काम कैसा किया है, वो हम लोगों के साथ कैसा उनका बिहेवियर था, वो सारी चीज़ें। तो इस हिसाब से आप खुद देखेंगे और अपने विवेक से अपने माइंड से खुद फैसला कर सकते हैं आपको वोट किसे देना है। वो जो मेन रोड दिख रही है और ये जो पूरी सड़क दिख रही है ये वार्ड नंबर 16 है हमारे गांव का। तो इस तरह से जो दिखता है तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि 500 मीटर की सड़क एक जनपद के होते हुए जब नहीं बन सकती तो आफ्टरऑल ज़िले का विकास कैसे हो सकता है। और इतना ही नहीं, ये सब तो काफ़ी नहीं था। इधर देखिए ये तार जो है नंगी तार घूम रही है और हमारे घर से जो है छानी से टच कर रही है। तो गाइज ये देखिए ये जो नंगी तार गई हुई है पूरी ये पूरी हमारी छानी से टच करती है, हवा चलती है तो छानी टच अंगारे गिरते हैं, यहाँ से जो है बच्चे बाहर निकलते हैं और स्कूल जाते हैं और भी बहुत सारे काम है जैसे खेत के काम होते हैं, तो उन सब चीज़ों में जो है बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और ये नंगी तार है ना, तो इसमें कोई पोल लगा हुआ है, तो इस तरह से जो है, तो गाइज इस तरह से इन सारी चीज़ों की कंप्लेन जो है वो जनपद जिला जनपद और सारी जगह की गई बट कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो ऐसे हैं हमारे प्रत्याशी, ऐसे हैं हमारे क्षेत्र के नेता जो 15 साल से विकास का दावा कर रहे हैं, 15 साल लगभग 20 साल हो गया ऐसे पद पर बैठे हुए हैं और कुछ हो नहीं रहा। सरपंच भी वैसे हैं और जो जनपद है जिला जनपद है वो भी वैसे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एक नया ठोस कदम उठाना है जो आप अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, अपने गांव के लिए आप नया प्रत्याशी चुनें और जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें वोट करें। तो गाइस अब आपको बताता हूँ जो 15 साल से जनपद सदस्य हैं और जो हमारे गांव के 15-20 साल से सरपंच हैं वो है गणेश प्रसाद रौतेल, जिनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, और नन्नू सिंह, तो वो भी अभी चुनाव में लड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब हमें सपोर्ट करना है नए प्रत्याशी को जो 15 साल तक कुछ भी ना किए हों, कम से कम उनको छोड़ के नया प्रत्याशी चुनेंगे, स्ट्रांग वे होगा और उनसे हम अपना विकास करवा सकते हैं। तो मैंने तो अपना काम, हमारे गांव का मेन रोड है जो सड़क है वो बुढ़ार धनपुरी और पक्की सड़क जो है वो बस स्टैंड को जाती है, तो इस तरह से हमारे गाँव का विकास है आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सही प्रत्याशी चुनने में आप लोगों का योगदान होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।